भाई कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जल्दबाजी में आकर तो रिटायरमेंट नहीं ले ली? ये सवाल खास तौर से पिछली रात से सभी के जहन में चल रहा होगा। भाई इंडिया बनाम जिम्बाब्वे, ये मुकाबला तो मस्ट विन था एंड मस्ट विन सीरीज है। अब पहला ही मुकाबला जिम्बाब्वे 13 रनों से जीत लेती है, अब ऐसे में ये सवाल होने तो लाजमी है। भाई इंडियन क्रिकेट टीम का एक नया एरा शुरू हो रहा है, द न्यू एरा ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम बिगिंस, लेकिन इसे स्टेबल करने में अभी भी काफी समय लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हमने पहले मैच में देखा, बल्लेबाज जो है ना, चाहे वो हमारे शुभमन गिल हो, चाहे अभिषेक शर्मा विस्फोटक बल्लेबाज, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, ये सभी जो प्लेयर्स है ना, अभी वो खुली जैसे हमारी पांचों उंगलियां होती है ना, ऐसे खेल रहे हैं। इन्हें एकत्रित करना बहुत जरूरी है और उसी के बाद ये जो टीम है आगे भाई वंडर्स करती नजर आ सकती है। फिलहाल जो सेकेंड मैच है, लगातार दो दिन मुकाबले थे, 6 जुलाई यानी कि सैटरडे को एक मैच हुआ, जिम्बाब्वे ने जीता, आज है दूसरा मुकाबला। और आज एक चीज तो साफ है कि ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है, दे विल बाउंस बैक और जीत की प्रबल दावेदारी पेश करेंगे आज के इस मुकाबले में। तो चलिए हम भी इस मुकाबले की ए टू जेड डिटेल्ड अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप और मैं, हम दोनों ही एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हम सभी को रखनी चाहिए नजर और हमारी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैं आज अपने इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो इसे पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक बात की तो गारंटी है, यहां हम दोनों ही एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरारे इंटरनेशनल स्टेडियम से, क्योंकि यहीं पे मुकाबले हो रहे हैं सारे, तो शुरुआत वेन्यू से करते हैं। टोटल जो है 41 मैचेस खेले गए हैं कल का मुकाबला मिला के, 23 मुकाबले जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए और 18 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे थे। एवरेज स्कोर आपको 156 का नजर आएगा। हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है 200 रन और लोएस्ट स्कोर रहा है जिम्बाब्वे का 99 रन फॉर 9 विकेट्स। अब अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की तरफ नजर डालें तो 150 से नीचे अब 20 बार स्कोर जा चुका है, 150 से 169 के बीच 8 बार, 170 से 189 के बीच 7 बार और 6 बार स्कोर 190 प्लस गया। ये है पूरा लेखा जोखा भाई वेन्यू का। अब बॉलर्स की अगर हम प्रदर्शन की बात करें, जो पहला मुकाबला जिम्बाब्वे बनाम इंडिया हुआ है उसमें कैसा रहा, तो भाई साफ तौर से स्पिनर्स का हमने बोलबाला देखा है। पहले मैच में 18 विकेट गिरे थे भाई, 7 विकेट पेसर्स ने लिए और 11 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे, जिसमें सिकंदर रजा आते हैं, जिसमें कि आपके रवि बिश्नोई आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, ऐसे खिलाड़ियों ने विकेट चटकाए हैं। तो एक बार फिर भाई स्पिनर्स का दबदबा हमें देखने को मिल सकता है। अब रही बात हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो जिम्बाब्वे एक स्टेप और नजदीक आ गई है इंडिया के। टोटल 9 मैचेस हुए हैं जिसमें 6 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं और 3 मैचेस अब जिम्बाब्वे के नाम हो चुके हैं। बड़ी सफलता हाथ लगी थी जिम्बाब्वे को और जिस तरीके का प्रदर्शन उनके गेंदबाजों ने किया, आला दर्जे का प्रदर्शन हमें देखने को मिला। वही लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो 2 मैचेस अब जिम्बाब्वे ने जीते हैं और 3 मुकाबले इंडिया के नाम है। रही बात इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो भाई उम्मीद तो यही है कि जिम्बाब्वे की ओर से कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। वही प्लेइंग 11 हमें देखने को मिलेगी, वेस्ली माधवेरे, इनोसेंट काइया, ब्रायन बेनेट, सिकंदर रजा, डी मायर्स, जोनाथन कैंपबेल, क्लाइव मेडांडे, वेलिंगटन मासगाजा, ल्यूक जोंगवे, ब्लेसिंग मुतारबानी और टेंडाई चटारा। अब बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा चरमराया तो है भाई, टीम इंडिया ने 115 पे रोक दिया था जिम्बाब्वे की टीम को, जिसमें कि ब्रायन बेनेट एक बार फिर ये इंडिया के खिलाफ चलते नजर आ सकते हैं। इन्होंने 22 रन बनाए 146 के स्ट्राइक रेट से। फिर उसके बाद क्लाइव मेडांडे ने लोअर मिडिल ऑर्डर में आके 29 रनों की पारी खेली थी 116 के स्ट्राइक रेट से। तो ये तो हुए दो बल्लेबाज। अब इनके अलावा सिकंदर रजा तो बल्लेबाजी की काबिलियत रखते ही है, 17 रन का इन्होंने छोटा सा योगदान दिया था। डियोन मायर्स ने भी 23 रन की पारी खेली थी। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्कोर तो जिम्बाब्वे ले सकती है। माधवेरे ने भी टॉप ऑर्डर में छोटी सी एक पारी खेली थी। तो बैटिंग लाइनअप में हम एक छोटे छोटे कैमियो रोल एक बार फिर देख सकते हैं। वहीं बॉलर्स का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा भाई। सिकंदर रजा ने शुभमन गिल सबसे इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया, जो कि 31 रन बना चुके थे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने रवि बिश्नोई को आउट किया एंड देन मुकेश का विकेट चटकाया। फिर इसके बाद अगर आप देखें टेंडाई चटारा, भाई चटारा की अगर आप बात करते हैं तो रियान पराग का विकेट लिया, रिंकू सिंह का विकेट इन्होंने चटकाया और वॉशिंगटन सुंदर को भी पवेलियन भेजा। तो 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके तो हो गए यहां पर, टेंडाई चटारा और साथ ही साथ सिकंदर रजा। और इसके साथ ब्लेसिंग मुतारबानी तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आप सभी को नजर रखनी चाहिए और आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। 1 विकेट ऋतुराज गायकवाड़ का भी इन्होंने चटकाया था। तो ये हुए 3 बॉलर्स जिम्बाब्वे की ओर से। अब बढ़ते हैं टीम इंडिया की ओर। दोस्तों प्रदर्शन बॉलर्स का तो शानदार रहा था, एज आई हैव सेड 115 रनों पर टीम को रोक दिया था, 9 विकेट चटका दिए थे, जिसमें कि रवि बिश्नोई 4 विकेट चटकाते नजर आए 3.2 की इकोनॉमी के साथ, और साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट निकाले। और यहां पर मुकेश कुमार की भी गेंदबाजी काफी सटीक रही थी, 5.3
की इकोनॉमी से इन्होंने एक विकेट निकाला। थोड़ा सा यहां पर आवेश खान महंगे जरूर साबित हुए, बट ही कैन टेक विकेट्स और एक विकेट इनके खाते में आया भी था, तो बॉलिंग अटैक लुक्स गुड। यहां पर जो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बाय चांस अगर होता है तो वो बैटिंग लाइनअप में होना चाहिए। हालांकि अभी तक इसका, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि टीम इंडिया अपने लाइनअप में कोई चेंज करेगी, और करना भी नहीं चाहिए यार। जो लाइनअप भाई हारा है जिम्बाब्वे से, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में जीत दर्ज करे और इंडिया को वापस भाई गेम में लेके आए। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो ही बल्लेबाज रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर ने भाई 27 रनों की पारी खेली थी लोअर ऑर्डर में आके, और टॉप ऑर्डर में सिर्फ शुभमन गिल चले थे 31 रन। यहाँ पर अभिषेक शर्मा शून्य पे आउट हुए। उसके बाद अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़, रयान पराग, रिंकू सिंह, कोई भी चलता नजर नहीं आया है। और ऐसे में टीम इंडिया भाई पहला मैच भले ही एक नाइटमेयर रहा हो, लेकिन दूसरे मैच में बाउंस बैक करने की काबिलियत रखती है। दोस्तों यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है, आज के मुकाबले में जीत दर्ज करने में क्या इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आइए कमेंट सेक्शन में करते हैं गुफ्तगू। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।